जय माता की मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों माताओं बहनों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवा होम्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए अपनी मुहिम को चालू रखते हुए कि किराएदार से मकान मालिक बनने वाली जो हमारी मुहिम चल रही है यानी कि 2022 के आखिर तक मेरे सभी जितने भी भाई बहन दोस्त हैं सब अपने मकान में आ जाए, खुद के मकान मालिक बन जाए, तो उसी के तहत मैं बहुत ही लाजवाब 2 BHK फ्लैट लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका इंटीरियर भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। कनेक्टिविटी आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, लेकिन उस सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक भी अगर आपने अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, पूरे एंड तक देखना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके इसके ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या होता है जो मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, अच्छे अच्छे फ्लैट लेके आता हूँ, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। लगभग 55 गज का कवर्ड एरिया आपको मिल रहा है आपके इस 2 BHK के फ्लैट। यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हो कि 4 व्हीलर की पार्किंग तो वो भी आपके लिए ऑप्शनल है, आपको उसके लिए क्या होता है 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना है, तो कार पार्किंग मिल जाती है, लिफ्ट की सुविधा मिल रही है आपको। साथ में अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ से जो वेस्ट मेट्रो स्टेशन है उत्तम नगर का, वो हार्डली यहाँ से 700 या 800 मीटर की दूरी पे रहने वाला है, और अगर मैं बात करूं मेन रोड की जो नजफगढ़ रोड है वो हार्डली यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पे आपको मिलता है। सारी छोटी बड़ी जो मार्केट है वो सब आपको यहाँ मिलने वाली है, और वेंटिलेशन मैंने बताया कि यहाँ पे आपको जबरदस्त वेंटिलेशन मिलेगा, क्योंकि आपकी जो फ्रंट साइड की जो रोड मिल रही है वो आपको 20 फीट की मिल जाती है। तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, चलते हैं अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। लीजिए अब हम एंटर कर चुके हैं बिल्डिंग का जो मेन डोर था वहां से हमने एंटर किया। नीचे पार्किंग का स्पेस काफी बड़ा स्पेस है, क्योंकि 200 गज का प्लॉट है ये, तो आपको बहुत स्पेस मिल जाता है छोटी मोटी गैदरिंग, अगर 100-150 लोगों की भी अगर आपको पार्टी वगैरह करनी है तो कोई बैंक्वेट हॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है, आप इजिली पार्किंग में करवा सकते हैं। 4 व्हीलर की पार्किंग आपको यहाँ मिल जाती है ऑप्शनल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। साथ में आपको ये लिफ्ट एरिया है जो कनेक्ट करता है यहाँ से हमारे फ्लैट्स की ओर, और नीचे जैसे जहां से मैं ऊपर आया स्टेयरकेस था, काफी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी 3 फीट की आपको यहाँ स्टेयरकेस मिल रही है अच्छे साइज में, और अच्छी फिनिशिंग में पूरे टाइल वाले का काम करा हुआ है। अब वहां से पैसेज एरिया से आते ही मैं अंदर एंटर कर जाता हूँ अपने लिविंग एरिया में, और देखिए कितना स्मार्ट वॉल टू वॉल एंड टाइप का आपको यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाता है, बहुत स्मार्ट सा यहाँ पे वॉलपेपर आपको व्यू दे रहा है। ऊपर पोर्सलिन का डिजाइन देखेंगे, एकदम प्यारा सा पोर्सलिन का डिजाइन है, अच्छी लाइटिंग के साथ, और ब्रांडेड फैन आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे फ्लोरिंग देखेंगे, जितना हमारा जो लिविंग एरिया है और जो हमारा किचन का पोर्शन रहेगा उसमें इतनी ग्रेश कलर की जो ब्रांडेड टाइल आपको यहाँ मिलती है बड़े बड़े साइज की मिल रही है, बाकी जो बेडरूम्स है उनमें आपको डिफरेंट मिलने वाली है। अब सामने वाली वॉल पे देखोगे बहुत ही जबरदस्त बड़ा सा एलईडी पैनल, अब आप देखिए कितने बड़े साइज का आप अपना यहाँ पे एलईडी पैनल लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपना टीवी प्लेस कर सकते हो। पूरी लाइटिंग के साथ अभी काम चल रहा है तो पूरी लाइटिंग मिलेगी आपको, इजीली आप यहाँ लगा सकते हैं, तो बहुत स्मार्ट सा आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। लिविंग एरिया प्लेसमेंट आप जैसा बनाना चाहो, चूंकि आप यू भी बना सकते हैं यहाँ पे अपने सोफे को, अगर आपने यू बना दिया तो भी आपका सेंटर टेबल यहाँ का पूरा स्पेस वहां से जाने के लिए बन जाता है, तो काफी बड़ा साइज आपको मिल रहा है। इसी के साथ आपका कनेक्टेड जो किचन है, इस बार मैं ये नहीं बोलूंगा ओपन किचन, क्योंकि पूरा अगर बैठक वहां पे है पूरा पार्टीशन दिया हुआ है इस तरह से मिरर वर्क करके दे रखा है, ये ड्रेसिंग टेबल कम मतलब छोटा वाला उसका भी काम कर देता है कैबिनेट होने के लिए, और यहाँ देखेंगे आप बहुत स्मार्ट सी आपको एल टाइप की किचन मिल रही है। इस बार जो कलर देखोगे नीचे का जो कलर है ड्रॉट्स का वो आपको देखेंगे व्हाइट रॉयल कलर है, साथ में जो टाइलें निकाली है मैंने वो भी व्हाइट कलर की रखी है, और ऊपर आपको हल्का ग्रे टाइप की फैमिली में दे दी है। अब यहाँ ग्रेनाइट का काम देखोगे स्पार्कल स्पार्कल पत्थर के साथ आपको ये ग्रेनाइट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, सिंक अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, चिमनी आपका भाई आपको यहाँ पे गिफ्ट दे रहा है, और ड्रॉर्स देखेंगे आप काफी अच्छी फिटिंग के साथ आपको यहाँ मिल रहे हैं बड़े बड़े पल्ले, सारे सॉफ्ट क्लोज हिंजेस है आपने बस छोड़ देना है। साथ में आप यहाँ देखेंगे हैंडललेस किचन है, कोई भी हैंडल की दिक्कत नहीं है, कहीं पे लगने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको स्मार्ट सी किचन मिल रही है। इसी तरह से अगर आपको किचन आपको घर आशियाना चाहिए, मेरे पास हर बजट के फ्लैट होते हैं, अगर मैं 1 RK की बात करूं तो 7-8 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 1 BHK की बात करूं तो 15-16 लाख से स्टार्ट होता है, और 2 BHK की बात करूं तो 19-20 लाख से स्टार्ट होते हैं, और 3 BHK 30 लाख से शुरू हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि कई बार मैं आपके लिए आलीशान मकान लेके आता हूँ तो आप सोचते हैं कि हम महंगे महंगे बजट के लाते हैं, आपकी पॉकेट आपकी बजट के हिसाब से, बस आपने भाई को कॉल करना है और किराएदार से मकान खाली करना है। अब मैं अपने मास्टर बेडरूम में आ गया हूँ, यहाँ वॉल पेपर का डिजाइन देखूँ बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत स्मार्ट है, जो हमारे बेडरूम को और अच्छा बना देता है, और ऊपर पोर्सलिन
अच्छा काम करके देखा, लाइटिंग अच्छी दे रही है, एक ब्रांडेड फैन आपको मिल जाता है, वेंटिलेशन मैंने आपको कहा था बहुत बड़ी सी विंडो मिल जाएगी आपको, आप अपना विंडो इसी प्लेस कर लेंगे, सभी नेसेसरी पॉइंट्स आपको यहां मिल जाते हैं। और इसके साथ आपको मिलता है अटैच वॉशरूम, वॉशरूम का साइज देखेंगे काफी अच्छा है, साइज का काम देखो कितना बढ़िया करके दे रखा है, यहाँ पे भी वॉल सीलिंग दी हुई है, सैनिटरी फिटिंग अभी लगने वाली है, सब ब्रांडेड क्वालिटी की होंगी, सीट हो चाहे आपका वॉश बेसिन हो, सब कुछ अच्छी तरह की। अब वेंटिलेशन और जबरदस्त चाहिए तो हम चलते हैं बालकनी एरिया में, आप देखेंगे बालकनी का साइज भी आपको काफी बड़ा दिखेगा, अच्छा काम करके दे रखा है यहाँ पे भी, ऐसे फिनिश में ग्रिल लगा के दे रखी है, पूरे टाइप ऊपर तक दे रखी है, यहाँ हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है, सारे पॉइंट दे रखे हैं टैप का पॉइंट, ठीक है। तो ये बालकनी का एरिया है, काफी स्पेशियस भी है और वेंटिलेटेड भी है। अब जब मैं अपने फर्स्ट बेडरूम से बाहर आता हूँ और फिर से लिविंग एरिया से होता हुआ आ जाता हूँ अपने सेकंड बेडरूम में, अब सेकंड बेडरूम में अंदर घुसते ही आप देखोगे बहुत स्मार्ट सा वॉलपेपर यहाँ पे भी लगा हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट लुक में और क्वालिटी में, दोनों साइड वार्डरोब दे रखी है, आपका जो बेड की प्लेसमेंट रहेगी वो सिंपल यहाँ आ जाएगी और आपका स्पेस जो है वहां तक फिल नहीं होगा। तो स्पेस देखोगे इसमें भी काफी अच्छा स्पेस, यहाँ पे आपको इस तरह से शेल्फिंग मिलेगी, ऊपर आप देखोगे इस तरह से शेल्फिंग मिलेगी, तो एक वार्डरोब इस तरह की यहाँ पे मिल रही है। और इसके साथ भी आपको मिलता है अटैच वॉशरूम, इस वॉशरूम का भी आप देखिए काफी अच्छा है, तो टाइलिंग वाइलिंग का काम अच्छा है, अभी सारी सैनिटरी फिटिंग यहाँ पे भी लगी है, ऊपर आप देखोगे फॉल सीलिंग में ब्लू येलो व्हाइट इसका कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है और एक ब्रांडेड फैन आपको यहाँ मिल जाता है। दोनों रूम्स में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टाइल लगी हुई है, कहीं ना कहीं ग्रेस लुक इसका भी आता है व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, तो बहुत स्मार्ट हमारी ये फ्लोरिंग का काम आपको दिख जाएगा। अब मैं बाहर आता हूँ, सारी चीज दिखा चुका हूँ मैं आपको, किचन के दर्शन करा चुका हूँ, ड्राइंग रूम दिखा चुका हूँ, दोनों बेडरूम दिखा दिया, बालकनी दिखा दिया, आशा करता हूँ आपको नक्शा समझ आ गया होगा, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, जो लोग द्वारका मोड़ जाते हैं उनके लिए द्वारका मोड़ पास पड़ जाता है, जो लोग जनकपुरी की तरफ जाते हैं बिल्कुल सेंटर में है इस टाइम, तो जल्दी से आपने मुझे कॉल करना है, विजिट बुक करनी है, इस फ्लैट को अपना आशियाना बनाना है, 82-85% लगभग 90% तक आपको लोन हो जाता है, पानी बिजली का कनेक्शन हम लगा के दे रहे हैं, सबमर्सिबल में आपको लगा के दे रहे हैं, सारी बेसिक चीजें आपको मिल रही है। फिर से मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, जहां पे मैं आपके लिए फिर कुछ अच्छा सा कुछ डिफरेंट कुछ जबरदस्त चीज लेके आऊंगा, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।